हेलो किसान साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर MP44 में। किसान साथियों, ये वही अश्वगंधा है जो बिल्कुल सूख रही थी, पिलासपन पे थी, और अपन अगर इसमें पांव घुमा रहे थे तो बिल्कुल कचरा कचरा ही कचरा निकल रहा था। ये वही अश्वगंधा का प्लॉट है, आप देख सकते हैं। अभी बहुत अच्छी बढ़वार हुई है इसमें, आप ये देख सकते हैं। जैसे ये भी देख सकते हैं आप, पौधे काफी बड़े हो गए हैं अब तो, यानी कि लगभग 1.5 महीना हो गया होगा दवाई स्प्रे किए हुए इसको, 1 महीने से ऊपर हो गया है। आप इसकी 1 महीने के बाद की बढ़वार भी देख सकते हैं, आप पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं जो 1 महीने से पहले डाले गए थे अश्वगंधा के इसी खेत के, उसमें यानी कि उस दिन जो वीडियो डाला गया था उस दिन में और आज के दिन में काफी फर्क है इसमें। ये आपके सामने दिख रहा है पूरा खेत हरा भरा दिख रहा है आपको, अश्वगंधा का ही खेत है। अब आशा है बारिश नहीं होगी, अभी भी कुछ दिन पहले फिर बारिश हो गई थी, ओलावृष्टि हुई जिससे थोड़ा सा इसमें उसका प्रभाव दिख रहा है, हल्का सा पिलासपन इसमें कहीं कहीं पर नजर भी आ रहा है। कहीं पर पौधे अभी भी छोटे छोटे हैं, कहीं कहीं पर बहुत अच्छी बढ़वार हुई है। दवाई अगर अच्छा स्प्रे हो तो बहुत अच्छी फसल चलती है। ये आप देख सकते हैं हमारा अश्वगंधा का खेत है। किसान साथियों, खाद बीज दवाई ये सब तीनों चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहली बात इसमें बीज इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद हमें समय समय पर इसमें खाद भी देना पड़ता है, और यदि कोई सी भी बीमारी आए फसल में तो उसका तुरंत दवाई स्प्रे करके उसका नियंत्रण करने की पूरी कोशिश करना चाहिए, ताकि हम जो भी इनपुट इसमें दे रहे हैं, जो भी हम पैसा इसमें खर्च कर रहे हैं, वो उसका आउटपुट भी हमें मिले, यानी कि फसल की अच्छी उपज निकले और अच्छा भाव भी मिलेगा उसका। दोस्तों, दवाई या स्प्रे करें आप तो अच्छी कंपनी की दवाई स्प्रे करें, और जैसे कहीं कहीं पर आपको इसमें मधुमक्खियाँ दिखेगी आपको, तो ये मधुमक्खियाँ अगर आपको दिखे तो आप दवाई स्प्रे करें उस टाइम, इनके ऊपर दवाई नहीं स्प्रे करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मधुमक्खी जो है ये फसलों में इनके फ्लावर जो निकलेंगे इनमें पोलिनेशन का काम करती है, जिससे फसल काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती है, बढ़वार अच्छी करती है। जैसे अकरकरा हो गया, अश्वगंधा हो गया, इन फसलों में आपको कहीं कहीं पर मधुमक्खियाँ देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको कुछ बताऊं तो इस पौधे में आपको दिखेगी कहीं कहीं पर, जैसे ये आप देख रहे हैं इस प्रकार की मधुमक्खी आपको दिखेगी। तो ये जो है बेनिफिशियल इंसेक्ट है, इसको कह सकते हैं, ये हार्मफुल नहीं होते हैं फसल के लिए, ये पोलिनेशन का काम करेंगे और फसल काफी अच्छी बढ़वार करेगी। जहां तक फसलों में इधर से इधर पोलिनेशन नहीं होता है, फसलें अच्छी बढ़वार नहीं करती हैं, पोलिनेशन जितना अधिक होगा उतनी अच्छी फसल की उपज निकलेगी और उतनी ही अच्छी बढ़वार भी करेगी। ये आपके सामने है अकरकरा के पौधे, आप ये देख सकते हैं, सॉरी अकरकरा नहीं, अश्वगंधा के पौधे हैं। इस प्रकार का अकरकरा में क्या है, अकरकरा में फ्लावर ज़्यादा आते हैं, फूल ज़्यादा खिलते हैं, तो उसमें मधुमक्खियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप अकरकरा में अगर दवाई स्प्रे करते हो तो ज़रूर ध्यान रखें आप कि ऐसी दवाई स्प्रे नहीं करें जिससे कि वो मधुमक्खियाँ वगैरह जो दिखती है, हम बेनिफिशियल इंसेक्ट, वो नष्ट नहीं हो उसमें। इस प्रकार की औषधीय खेती आप करते रहे। दोस्तों, हमने ये फसल जो है अक्टूबर में लगाई थी, अक्टूबर नवम्बर लगभग नवम्बर में लगाई थी, तो अक्टूबर एंडिंग निकल गया था और नवंबर के टाइम पे हमने इस फसल को लगाया था। तो ये देखिए आप, जहाँ पर क्यारियों के अंत में जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है, भरा हुआ रहता है, उस जगह पर थोड़ी फसल डैमेज दिखेगी आपको, यानी कि कम बढ़वार की हुई दिखेगी। बाकी ऊपरी हिस्से में आपको काफ़ी अच्छी फसल बढ़वार की हुई दिखेगी। पहले पूरा खेत काला काला ही दिख रहा था, अब पूरा खेत हरा दिख रहा है, यानी कि पूरा खेत हरेपन से अब ढक गया है, पौधे बढ़वार कर चुके हैं। किसान साथियों, इसमें सबसे मेन बीज होता है, बीज अच्छा सिलेक्शन करें, इसके बाद में खाद अच्छा डालें और दवाई समय समय पर स्प्रे करें। यदि बहुत सारे बताएंगे आपको केमिकल स्प्रे न करें ऐसा वैसा, आपके पास अगर जैविक दवाई हो तो वो स्प्रे करें आप, और बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि बीमारी कंट्रोल करना पड़ेगी वरना फसल नष्ट भी हो जाती है, यानी कि जो हम इनपुट लगा रहे हैं वो हमारा वेस्टेज चला जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, औषधीय खेती आप करते रहें, क्योंकि परंपरागत खेती की तुलना में इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा, क्योंकि जब हम
बहुत सालों से खेती कर रहे हैं उस दी, तो इसमें मुनाफा मिल ही रहा है, नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये जो इस साल निकला है 2021 और 22, इसमें बारिश के कारण से इस फसल को नुकसान हुआ है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आप अश्वगंधा जहाँ पर भी लगाए अगले सीजन से ये ध्यान रखें, आप उस जगह को प्लाव से कल्टीवेट करें, यानी कि प्लाव की हुई जमीन में अश्वगंधा की जड़ काफी अच्छी बढ़वार करेगी। यानी कि प्लाव जब चलाते हैं खेत में तो मिट्टी के जो बंडल्स होते हैं, यानी कि सॉइल बंडल जिनको बोलते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले, वो आसानी से टूट जाते हैं और मिट्टी जो है कम से कम 2 से 2.5 फीट तक टूट जाती है, पूरी अच्छी पोरस हो जाता है, उसमें पोली हो जाती है मिट्टी। तो इस स्थिति में उसमें जड़ काफ़ी गहराई तक जाती है, जिसकी वजह से जड़ जितनी गहराई में जाएगी पौधे को उतने ही अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे, उतना ही अच्छा हरा भरा रहेगा। यानी कि जो हम पोटाश खाद डाल करके मिट्टी को पोरस बनाने की कोशिश करते हैं, केमिकल का स्प्रे करके ऐसा करते हैं, तो प्लाव किए हुए खेत में ये विधियाँ कम अपनाने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि प्लाव किए हुए खेत में जड़ वाली फसलें जितनी भी होती है, जमीन वाली फसलें, वो काफ़ी बेस्ट होती है। यानी कि रूट जितना अंदर जाएगा जमीन के अंदर, उतनी अच्छी फसलें आपकी निकलेगी। आपने कई बार देखा होगा जैसे ये मेड़ होती है, तो इस मेड़ पर पौधे अच्छे दिखते हैं जबकि क्यारी के बीच में कम बढ़वार किए हुए दिखते हैं। तो उसका कारण यही है कि मेड़ पर मिट्टी ऊपर उठी हुई रहती है, यानी कि पोरस रहता है उसमें। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे जो हम बताना चाहते हैं, वो बात आप समझ चुके होंगे। तो हो सके तो आप प्लाव करवाएं, और नहीं करवाएंगे तो भी हो जाएगी खेती, लेकिन प्लाव किए हुए खेतों में बिना प्लाव किए हुए खेतों की तुलना में अच्छी फसल निकलती है, कोई सी भी जड़ वाली फसल हो, जमीन वाली फसल हो। इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। अकरकरा की भी खेती काफ़ी फायदेमंद है, वो भी आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। इसके अलावा अश्वगंधा तो है ही सही, अश्वगंधा भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा चिया सीड हो गया, इसमें भी काफ़ी अच्छा मुनाफा है। इसके अलावा शतावर, तुलसी, कालमेघ, चिरायता जिसको बोलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी खेती है, इनको भी आप करें और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। तो किसान भाइयों, आज के लिए यही जानकारी थी कि आप औषधि खेतियाँ करें और अपनी इनकम को बढ़ाएं। बहुत सारे किसान भाइयों का अभी भी पिलासपन दिख रहा होगा, तो जिनके लगभग 120 दिन के आसपास हो गए और उनको लग रहा है कि फसल में बीमारी लग रही है, तो आप उसका नियंत्रण करवाएं, कोशिश करें। दवाई का स्प्रे करना चाहते हैं आप तो ज़रूर करें, उसमें ये आपकी इच्छा के अनुसार यूज़ करें और एग्री क्लिनिक की सलाह से आप दवाई यूज़ करें। तो यही आज के लिए जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको आने वाले वीडियो भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।